देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं फरजाना, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हैवानों की दरिंदगी का शिकार हुए 22 वर्षीय युवती मनीषा का पहले दरिंदों ने रेप किया, फिर गला दबाया, उसके बाद उसकी जीभ काट दी और उसके बाद जो हुआ वो सुन आपकी रूह कांप जाएगी। मामले को दबाने के लिए यूपी के पुलिस प्रशासन ने माता पिता को बेगैर बताए जला दिया। इन सब के पीछे आखिर माजरा क्या है? रेप का तो समझ में आता है, लेकिन पुलिस अस्पताल से बिना बताए शव को लाकर रातों रात जलाना, ये समझ में नहीं आता। इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर माजरा क्या था। भ्रष्टाचारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, आदिवासी की सरकार नहीं चलेगी। देश की बेटी के साथ एक और घिनौना कांड। हैवानों की दरिंदगी का शिकार हुई वाल्मीकि समाज की बेटी। चार लोगों ने मिलकर किया रेप। मनीषा ने 15 दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ी जंग। पुलिस ने रातों रात मनीषा की लाश को जलाया। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हैवानों की दरिंदगी का शिकार हुई 22 वर्षीय मनीषा ने 15 दिनों तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ी, लेकिन आखिरकार दिल्ली में दम तोड़ दिया। हालांकि हाथरस के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर का कहना है 14 सितंबर को हुए इस सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चारों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में आरोपियों की पहचान गांव के ही रहने वाले संदीप, लवकुश, रामू और रवि के रूप में हुई थी। संदीप को 14 सितंबर को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, बाकी आरोपी फरार थे जिन्हें एक एक कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सभी को जेल भेज दिया है। लेकिन इन वर्दी के पीछे छिपे राज की असलियत क्या है, ये नहीं पता चल पाया है। एक तरफ तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और दूसरी तरफ मनीषा के शव को उसके परिवार वालों को ना सौंप कर पुलिस वालों ने मिलकर जला दिया। इनका जवाब कौन देगा? इंडिया न्यूज में मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में उपस्थित है। जी हाँ, जैसे कि अभी आपने सुना था, कुछ दिनों से लगातार बहन मनीषा को लेकर के ये जो चल रहा था, जैसे कि उनका रेप किया कुछ चार लड़कों ने और उन रेप करने के बाद उसकी जबान काट दी गई, उसके अलावा उसको छोड़ दिया गया। जब मनीषा को हॉस्पिटल में उसके परिवार वालों ने हॉस्पिटल में भर्ती करा तो पता लगा कि उसकी जबान के साथ साथ उसके शरीर के कुछ पार्ट्स की हड्डियाँ भी टूट चुकी है। तो मनीषा काफ़ी दिन इस हादसे से लड़ रही थी, जिसे कल रात को सफदरजंग हॉस्पिटल में लाया गया था। मगर सुबह मनीषा को, जो इतने दिनों से लगातार इस हादसे से जूझ रही थी, मृत घोषित किया गया सफदरजंग हॉस्पिटल में। जितने भी वाल्मीकि समाज के लोग हैं आज सुबह से यहाँ पे जमावड़ा इकट्ठा हुआ पड़ा है और उन लोगों को इंसाफ चाहिए, मनीषा की हत्या जा। तो आइए मिलते हैं यहाँ उपस्थित लोगों से और जानते हैं मनीषा के इस केस के बारे में। दरअसल इसकी पूरी कहानी क्या है, विस्तार से आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की रहने वाली मनीषा के साथ चार दरिंदों ने पहले रेप, फिर गला दबाया, फिर जीभ काटी और उसे मरा समझकर छोड़ दिया। लेकिन गलीमत रही कि उसकी सांसें चल रही थी तो उसे अलीगढ़ के जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। जब मनीषा की हालत गंभीर हुई तो उसे सोमवार को ही दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। युवती की मौत की खबर से पूरे हाथरस जिले में मातम की लहर दौड़ पड़ी। पुलिस प्रशासन, अस्पताल और डॉक्टरों की टीम और परिवार के हर संभव सहयोग के बाद भी मनीषा उन जख्मों से नहीं जीत पाई जो क्रूरता के साथ चार दरिंदों ने मिलकर उसे दिए थे। बीते 14 सितंबर को न केवल चार दरिंदों ने मिलकर चंदपा थाना क्षेत्र के एक गांव में मनीषा के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था, बल्कि उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी।
चारों आरोपियों ने युवती के साथ जो किया उसके बारे में जब जब चर्चा होती है लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मनीषा की हालत यह थी कि 19 सितंबर को विवेचक जब उसके बयान दर्ज करने पहुंचे तो वह इस कदर दहशत और बेहोशी की हालत में थी कि अपने साथ हुई घटना की दास्तां तक बयान नहीं कर सकी और दुनिया को अलविदा कर चली। इसके बाद से ही वाल्मीकि समाज में माहौल गर्म है, हर शख्स अब वाल्मीकि समाज की बेटी की ऐसी दुर्दशा देखने के बाद वाल्मीकि समाज का हर शख्स जाग उठा है और जोरों से प्रदर्शन कर रहा है ताकि मनीषा को इंसाफ मिल सके। आपको ऐसा नहीं लगता कि यूपी से किस तरह दिल्ली में शिफ्ट किया गया है और स्टार्टिंग में 14 तारीख की घटना है, 14 तारीख के आसपास ही दिल्ली में शिफ्ट किया था तो बच्ची कहीं ना कहीं आज जिंदा होती। मैं धन्यवाद देता हूँ बहुजन मीडिया के और बहुजन समाज के लोगों को जिन्होंने आवाज़ उठाई। सच ये है कि उसकी मौत पे आज सारा मीडिया जो है डांस कर रहा है। कंगना का छज्जा टूटता है और मेरी बहन की हड्डियाँ टूटती हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसके हाथ की और पैर की हड्डी तोड़ी गई, एक मीडिया का व्यक्ति नहीं उठाता। नफरत हो रही है कि यहाँ जाति देख के आवाज़ उठती है, जाति देख के न्याय मिलता है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, किसी भी समाज की बेटी सुरक्षित नहीं है। हम अपनी न्याय की आवाज़ को तब तक उठाते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में जान होता है। हमारे समाज पे अत्याचार होता है तब हम दलित हैं, हमें मंदिर में चले जाते हैं, हमें मंदिर में मंदिर से बाहर कर देते हैं, हमें ना तो समाज में बैठने देते और जब कोई मुझे ध्यान दे। सर मनीषा को इंसाफ अब कैसे मिलेगा सर, इसके बारे में? बेटा वही तो हम लड़ रहे हैं, ये इंसाफ ना मिले इसी के लिए तो ये पॉलिसी कर रहे हैं कि लड़के वाले जो लड़की के माँ बाप ऐसे ले जाए और जला दें, जो ना इसकी बॉडी होगी ना मेडिकल होगा। अब जब जो जल गया जो आदमी दबा हुआ है उसका तो मेडिकल हो सकता है, जो आदमी जल गया उसका मेडिकल क्या होगा? तो ये कितने गंदे लोग आ गए। जब भी मोदी डरता है या तो भागता है या कोर्ट की तरफ या भागता है पुलिस की तरफ, या तो कोर्ट की तरफ भागता है या भागता है पुलिस की तरफ। अब एक दलित लड़की के साथ सामूहिक उसका बलात्कार होता है और उसके घर वाले यहाँ बैठे हैं उसको लेके भी नहीं जा रहे, तो कितनी गलत बात है ये। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।